चार रो रहे का पास हो गया चलिए। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। तो दोस्तों आप भी मैं आया हूँ हमारे खेत को देखने के लिए। सो रात को बहुत तेजी से बारिश हुआ था, पूरा चप्पल ही बहा के ले गया मेरा चप्पल, बस एक ही चप्पल तो उसमें रह गया एक ही चप्पल, इतना बारिश हुआ था बाप रे। गुड मॉर्निंग कालू। और यहाँ पर बहन जी और मॉबिंग कर रहा है उसका साथ कपड़ा के साथ, ताकि ये गंदा हो चुके हैं, इसको मतलब हैंडसम बना रहे, चमकदार बना रही ना। सुबह सुबह कहाँ जाओगे अभी? मंदिर पे। हाँ ठीक है, बढ़िया से जाना और रोज बहुत पिछलता है, संभल के जाना। सो गाइस अभी खाना खाते हैं, तो वो लोग तो जा रहे हैं मंदिर पे वो भोजन डोनेशन करने के लिए। सो यहाँ पर है छोटा छोटा वाला बेतरक प्लांट और जंगली मशरूम वैरायटीज के साथ कुकिंग किया, आप खाना खाएंगे। सो दोस्तों अभी सुपारी कोसते हैं, तो ये हमारे सुपारी का गार्डन से बहुत ही सुपारी गिरते हैं, तो पिताजी ने कॉल करके बोला कि पान और सुपारी लेके जाने के लिए खेत पे, क्योंकि पिताजी तो बहुत ही खाते हैं सुपारी और प्लस बहुत ही आते हैं हमारे वहाँ पर खेत में मेहमान, तो वो लोग मिल बात के खाते हैं, इसलिए खत्म हो गया सुपारी। उस दिन बहुत ले गया था पान और सुपारी, फिर से आस लेके जाना पड़ेगा। कालवा तू भी आ गया, जंगल में घूमते हो। यहाँ पर है सुपारी, यहाँ से उतारते हैं और यहाँ से थोड़ा फान भी लेके जाना पड़ेगा। सो गाइस इसमें काफी मिल चुके हैं सुपारी, यहाँ पर ही है फान की फेर, तो यहाँ से कुछ फान थोड़ के लेके आते हैं। तो दोस्तों इसका रेसिपी बहुत ही मस्त होते हैं, मैं ये वाला रेसिपी खा के दिखाऊंगा कभी दिन में, पहले खाया था 3-4 महीना पहले, ये बॉयल करके बहुत ही मस्त और हैंडसम होते हैं। तो गाइस इसे हिंदी से क्या कहते हैं पता नहीं, तो ऐसे ये तो जंगली कोंचू की तरह है, पूरा बहुत ही खुशबूदार है मसालेदार इसका रेसिपी, तो इसे हम लोग कहते हैं सिगुन साग, बना के खा जाऊंगा, फिनिश करूंगा। तो अभी ये भी आ रहे हैं मुझे हेल्प करने के लिए, तो मैं ऊपर से बस किस किस के तोड़ रहा हूँ, तो जंगल से कुछ निकलने मुश्किल होता है अकेले अकेले पान। सो यहाँ पर है हैंडसम हैंडसम पान, वो आगे वाला इतना अच्छा नहीं, ये वाला थोड़ा ठीक नाता है, छोटा है ये, बढ़िया उसमें गिर गया। गिर गया। सो अभी खोजते हैं स्नैक घाट, वहाँ पर सब्जी खत्म भी हो सकते हैं, इसलिए तो मैं तो रेगुलरली 2-3 दिन में जाते रहता हूँ सब्जी पहुँचाने के लिए, तो बहुत खुश होते हैं यहाँ से जब भी मैं सब्जी लेके जाता हूँ, तो एक तो मिल चुका है स्नैक गार्ड, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर बहुत सारे स्नैक गार्ड, और इस तरफ भी है भिंडी, तो भिंडी इतना खास नहीं लगता मुझे, यहाँ से थोड़ के लेके जाते हैं कुछ स्नैक गार्ड, हैंडसम स्नैक गार्ड यहाँ से बहुत। तो दोस्तों कुछ लोग बहुत ही बोरिंग हो चुके हैं, हमेशा सेम कंटेंट, जब भी लोकल ऑर्गेनिक सब्जी और खेती, कद्दू के साग खोसना, ये वाला साग तोड़ना, बस ये वाला खेती देखना, तो आप लोग बोर हो चुके होंगे। तो गाइस कंटेंट नहीं खत्म हो गया, क्या करेगा, पूरा बहुत ही भयंकर से तूफान हुआ था, पूरा खेत तो खत्म हो चुके हैं, ये मक्का और ये भी खत्म हो चुके हैं, तो सब मौसम के कारण इतना तेज से हवा बहाना इसी का वजह से। सो यहाँ पर बिंदी और स्नैक गार्ड मिल चुके हैं, सो अभी बस थोड़ा सा लेके जाएंगे, ज़्यादा लेके जाने से सब्जी मतलब बर्बाद होते हैं, फ्रेश नहीं रहते हैं, तो मैं यहाँ से क्यूक्यूम्बर लेके जाऊँगा, कीड़ा ले लो कीड़ा। तो दोस्तों मैं भी बोर हो चुका हूँ कि हमेशा सेम टाइप का वीडियो बनाना है, तो बस मेरा एक लौता इनकम सोर्स यूट्यूब अर्निंग है वो एड रेवेन्यू से, तो मैं स्पॉन्सरशिप भी नहीं करता, हमें आजकल बहुत आते हैं, तो ऐसे गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करना नहीं चाहिए, मैं पहले किया था, पहले वो बहुत पैसा की आवश्यकता था इसलिए किया था, नहीं तो नहीं करता, उसके बाद मैं छोड़ दिया, मैं आजकल भी बहुत ही आ रहा है मेरे पास वो मेल आ रहा है गैम्बलिंग का, ऑफर कर रहा है बढ़िया बढ़िया अमाउंट है, सोच रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर लोग को मैं गुमराह नहीं करूँगा, व्यूअर्स लोग को, तो कुछ लोग तो सोच मान के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा पूरा खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं, कमेंट करते हैं, तो चंद पैसा के लिए दूसरों को मतलब एडिक्टेड बनाना ठीक नहीं है, तो इसी का वजह से मैं स्पॉन्सरशिप भी नहीं करता हूँ, तो अगर स्पॉन्सरशिप करता तो मेरा पास तो पैसा ही कोई कमी नहीं होता, तो इसी का वजह से मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, चाहे सेम कंटेंट होने दीजिए, तो दिन पे 500-1000 रुपया मिलने से भी काम चलता है आराम से, इसलिए
तो स्पॉन्सरशिप करने से तो मिल जाएगा, पर भी जो 4-5 हज़ार मिल जाएगा, नहीं करता मैं। सो कुछ व्यूअर्स ना और इतना भरोसा करते हैं कि मेरे बातों को सुन के पैसा लगाते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, गेमलिंग करते हैं, तो पैसा पूरा गवा देते हैं। दिक्कत होते हैं बितुल भैया बोलते हैं तूने प्रमोट किया इसलिए मैं इन्वेस्ट किया, हमें मेरा वहाँ पर 1,000 फंस गया, कुछ लोग बोलते हैं 500 फंस गया, इसी का वजह से। अरे भाई तो मैं क्या काम कर रहा हूँ चंद पैसे के लिए दूसरों का पैसा से मतलब खिलवाड़ कर रहा हूँ, ये सोच कर मैं पूरा स्पॉन्सरशिप में बंद ही कर दिया। मैं हो चुका लगभग 5-6 महीने के आसपास। तो दोस्तों अभी जाएंगे खेत पे सब्जी पहुँचने के लिए, तो इसमें हैंडबैग भी लिया हूँ और पीछे का बैग भी लिया हूँ, तो बारिश भी हो रहा है इसलिए रेनकोट पहना, गर्मी भी लग रहा है, तो वहाँ जाने का मुलाकात होते हैं गैस। सो अभी पहुँच गया हूँ यहाँ पर खेती की घर पे, तो इसमें सब्जी है और थोड़ा रेस्ट करते हैं इसमें, तो और थोड़ा वीडियो आप लोग करते हैं यहाँ पर, उसके बाद ही जाएंगे। सो इसी में पान लेके आया हूँ, तो ये पका हुआ केला, तो मैं पूरा तोड़ तोड़ के लेके आया हूँ, मैं बैग पे भी कुछ चिपक गया, यहाँ पर मामी जी कुकिंग कर रही है। सो दोस्तों मुझे अब भी जाना पड़ेगा यहाँ से, तो चार्जिंग हो रहा है मोबाइल तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा रुक गया। पिताजी गया है वो पानी लाने के लिए, मतलब यहाँ से बहुत ही दूर होते हैं, वो नहर टूट गया था ना, तो वो रिपेयरिंग कर रहा है कुछ लोग, तो वो लोग को साथ देने के लिए गया है, तो मम्मी लोग अभी तक खाना नहीं खाया। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा होगा ना? नहीं लगा है। नहीं लगा मतलब नहीं लगा। तो अभी और रेस्ट करेंगे। सो दोस्तों अभी हमारे खेत पेंडिंग पे है, तो बारिश तो हो रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है इसलिए, तो नहर पूरा टूट गया था इसी का वजह से पानी पूरा खत्म हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे करके आ रहा है पानी, देखिए धीरे धीरे करके आ रहा है, क्योंकि पिताजी और बहुत सारे आदमी गया है ऊपर में नहर टूटा हुआ नहर को बढ़ाने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा पानी है, उस तरफ पर पानी वानी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे घर थोड़ा घूम के देखते हैं। धीरे धीरे करके पूरा धान की खेती हैंडसम हो रहा है गाइस, ये हैंडसम। जब यहाँ पर पानी था तब पूरा ये नरमी था, अभी पानी नहीं है इसलिए पूरा टाइट हो चुके हैं, अभी यहाँ पर चप्पल से घूम सकते हैं। तो फिर हम लोग इसको मारा था ना, और रावतर ना क्या बोलता है उसे और हिंदी से उसमें, तो फिर से यहाँ पर दोबारा मना पड़ेगा, पैसा तो बर्बाद हो चुका है लगभग 2,000 रुपया यहाँ पर मरना पड़ेगा, वहाँ पर मरना पड़ेगा, जहाँ पर धान लगाया हुआ पूरा हरा भरा हो चुके हैं, तो ये इसका तो पैसा पूरा बर्बाद हो गया, धूप के कारण पूरा फट गया, खत्म पैसा बर्बाद। तो दोस्तों मैं आजकल दूसरा कंटेंट बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि घर पे तो मुझे रहना पड़ते हैं, तो बाहर भी निकल नहीं पा रहा हूँ, जंगल पे कहीं पर भी दूसरा कुछ अलग वीडियो बनाने के लिए, लगातार हमेशा सेम ही कंटेंट होते हैं, खेत और कद्दू की साग और निकल घर का साग, घर का बाउंड्री है, तो मैं भी समझता हूँ इसलिए इतना व्यूज अभी डाउन हो गया, तो फिर भी बनाते हैं, कुछ पैसे तो आ जाएंगे, बस ये मेरा एक लौटा इनकम सोर्स है इसलिए। तो अभी धूप हो रहा है, लगता है शाम को फिर से बारिश होगा, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे घर पे, तो आज तो फिशिंग करेंगे, शायद बारिश होने से नहीं कर नहीं पाएंगे, और मुझे जाना पड़ेगा वीडियो को कंप्लीट अपलोड करने के बाद। बाइक को इसमें रख दिए हैं, यहाँ पर तो जाल है, बढ़िया बढ़िया जाल, अरे इससे ये जाल के बिछाएंगे तो बढ़िया मिले, बढ़िया मछली मिल सकते हैं, तो इसको जाल से नहीं मारेंगे हम लोग, तीर से मारेंगे, वो ऑलरेडी बना के रखा है हम लोग वो बेम्बू का तीर से, उसके बाद छाता का वो लोहा का रॉड से, बस उसी से मारेंगे। तो इसमें खाना खा रही है मम्मी, पिताजी अभी तक नहीं आया, सो अभी मैं जाऊँगा घर की तरफ, और खाल भी आना पड़ेगा यहाँ पर सब्जी, नहीं तो मछली लाना पड़ेगा। सो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ घर की तरफ, तो हेलमेट को भूल रहा था मैं, इसमें हेलमेट भी ले लिया हूँ। सो दोस्तों बारिश भी हो सकता है, और पिताजी अभी तक नहीं आया है, शायद बाद में आ सकते हैं, मोबाइल तो फुल चार्ज करवा दिया मैं दोनों का, तो जाल ले जाने का मन कर रहा है फिशिंग के लिए, तो लेके नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी मिलते हैं कभी कभी मछली, जाल बिछाने से आराम से इधर में खा सकता है पकड़ पकड़, पिताजी खा सकता है पकड़ पकड़ के, बहुत गर्मी भाई इधर पूरा हंचम हंचम नज़ारा। तो फाइनली पहुँच गया हूँ अपना गाँव पे, सो मैं बड़ा मम्मी को लिप दिया हूँ, यहाँ पर वो लोग का घर है,
और अभी जाएंगे अपना घर की तरफ। पानी तो मुझे पानी पीने के लिए बोल रही है, तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, सीधा जाऊंगा घर की तरफ, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे गाइस। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया घर पे, तो बहुत खुशी की बात है कि मैं घर पे पहुंचते ही सुना दिया कि मेरे बहन ने पास किया री एग्जाम में, पास हो गया। हाँ, पास हो गया। बढ़िया, तब बड़ा ही हो 11 स्टैंडर्ड के लिए, ठीक ना। हाँ, हाँ। पूरा सांसें फूल रहे हैं। हाँ, ना खुश हो गया, बहुत ज्यादा। हाँ, पास हो गया। और ये पास होने के बाद उछल रहा है, खुद रही है ये। पास हो गया इसलिए रो रहे का, पास हो गया इसलिए भाग रही है, भाग रहे शायद आंखों से पानी आंसू आ रहे हो गया। हाँ, भाग रहे भाग रहे, पास हो गया इसलिए, हाँ पास हो गया इसलिए भाग रही है। तो गाइस पास हो गया इसलिए भाग रही है, लगता है आंखों से आंसू आ रही है, तो कैमरा देखने से भाग गया, तो आवाज तो पूरा रोनक रोनक से लग रहे हैं। तो अभी इतना रेस्ट करते हैं, बहन तो पास हो गया, तो वीडियो का चक्कर में वो फेल हो गया था मैथ्स में, मतलब 2-3 नंबर से कुछ कम मिला, तो अभी बढ़िया से वो एग्जाम प्रिपेयर किया, उसके बाद अभी पास हो गया। का रो रहे का, रो रहे रो रहे रो रहे, पास हो गया इसलिए। और तेरा दोस्त लोग पास हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग? अरे भाई तो सबको बता देना पड़ेगा, सबका तो नहीं पता, मेरा दोस्त का पता है बस। वो ठीक है, तेरा दोस्त लोग जितना भी फ्रेंड सर्कल सबके सब पास, ठीक है अच्छी बात है। टोटल कितना परसेंट मिला? 50.6%। इतना कम है फिर भी चलेगा, तब तो अच्छी बात है गाइस, तो पास हुआ है तो मीठा है तो बनता ही है। तो दोस्तों अभी जाएंगे मार्केट की तरफ, और मुझे मेरा बाल भी कटवाना पड़ेगा, और प्लस ग्रोसरी वाला सामान भी लेना पड़ेगा, और कपड़ा भी लेंगे, तो उसमें देखते हैं और क्या क्या लेते हैं मार्केट में। तो वहां से आने के बाद जाएंगे फिशिंग करने के लिए। तो ये हमारे गांव का नदी है, और कभी ये ब्रिज मतलब टूटने वाला है, तो इसको 2-3 महीने के बाद लगता है रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, वो ऐसे जंक फूड भी खाएंगे, चौमिन तो बहुत दिन हुआ नहीं खा रहे हैं। आ संभाल के, संभाल के पहुंच गया ना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए। क्या खा गए, चिकन या पर्क? चिकन। और तू? चिकन। और तू? जो देगा वही खाएगा। हाँ तो चिकन खा लेना, मैं भी खा लूंगा चिकन, पूरा टीका कर खाएंगे, उसका जाएंगे फिशिंग करने के लिए ना। So, finally, आ गया चौमिन वा चिकन चौमिन, कहाँ गया और एक प्लेट आ रहा है सर, इतना रहा तो पहले फिनिश कर ले, उसके बाद मैं ही फिनिश कर दूंगा, ठीक ना। अरे फिनिश कर दे साहब। हाँ इस तक कर दीजिए, बढ़िया। हाँ आ गया मेरा हिस्सा, थैंक यू। तो गायस फाइनली पहुंच गया अजुन का दुकान पे। अरे अजुन वाह क्या हाल है? ठीक बा। अरे कब आया मुंबई से? मुंबई नहीं, गोवा गया था। गोवा से कब आया? 3-4 दिन हो गया। ओ अजुनान, मुझे हैंडसम होना है। काटे चूल काटो? हाँ हाँ। अच्छा ठीक बात नहीं, मेरे पास है हैंडसम। अभी जाऊंगा बाल कटवाने के लिए, और मेरा साथ साथ ये भी खाटेगा। कौन चीज तरह खाते हो गए? हाँ मालूम नहीं, पूरा छोटा छोटा घर काट देना, ताकि 2 महीना का पैसा बच सके। सो फाइनली तो बाल तो काटने हो गया, हैंडसम हुआ कि नहीं हुआ बोल? हैंडसम हुआ है। कैसा लग रहा है? हाँ तो मस्त लग रहा है, हैंडसम लग रहा है बोल रहा है तो। हाँ मोबाइल में देख देख के खाटेगा। हाँ तो दोस्तों फाइनली तो वीडियो अपलोड करके हम लोग आ चुके हैं, तो आज खाएंगे स्नेल। तो ये भुवन राजभर स्नेल तो कटिंग कर रहा है, सब फिनिश कर देंगे ना। तेरा गाँव में मिलता है? नहीं मिलता है। हाँ ऐसा वाला स्नेल, वाह बढ़िया बढ़िया स्नेल, सब खा जाएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो इसको थोड़ा खाते दे जाइए, तो कुकिंग दोनों मिलके करेंगे वो और मैं। फाइनली स्नेल खाते कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसको हिलाना बाकी है ना। कौन हिला रही है अभी? ये हिला रही है। म्यूजिक, लोकल म्यूजिक। हाँ लोकल म्यूजिक, और तो बजाओ ट्रेडिशनल म्यूजिक। वाह आप ये बजाएगा ट्रेडिशनल म्यूजिक, वाह लोकल म्यूजिक, यानी कि यहाँ पर जितना भी गंदा है ना सब बाहर निकल जाएंगे, इसलिए ऐसा करते हैं ट्रेडिशनल म्यूजिक। सो दोस्तों एक्चुअल में आज हम लोग फिशिंग करने के लिए जाने वाला था, तो हमारे यहाँ पर बहुत ही नेटवर्क का प्रॉब्लम होते हैं, इसी का वजह से वीडियो अपलोडिंग का टाइम लगभग
तीन घंटा के आसपास लगा था एसी के वजह से, टाइम पूरा जा चुका था, देर हो चुका था, लेट हो चुका था, एसी के वजह से हम लोग फिशिंग करने के लिए नहीं गया था। तो गैस हम लोग शायद कल जा सकते हैं अगर मौसम बढ़िया रहेगा तो, लेकिन तीन मिनट बना के रख चुके हैं। तो इसमें स्मेल कुकिंग हो रहा है, तो मैं बहुत सारा वीडियो में कुकिंग करते हुए दिखाया हूँ, तो इसलिए आज मैं इतना क्लिप कम लिया है मैं। तो प्रियंका जी बना रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल बढ़िया बढ़िया हैंडसम हैंडसम सब्जी बनाती है ये, और रेसिपी भी बनाती है, तो वाइफ का रोल निभा रही है हैंडसम हैंडसम। अरे तुमने कुकिंग नहीं किया? नहीं, अभी जस्ट नहा के आ गया। हाँ। बढ़िया है। तो दोस्तों अभी इसमें पानी डाल दिए हैं, तो अभी उसको बस 5 मिनट के ऐसे पकाएंगे, ज़्यादा पकाने से पूरा पतला हो जाएंगे, हैंडसम वाला स्मेल बच्चों बन जाएंगे, इसलिए 5 मिनट के आस पास पकड़े हैं ना, उसके बाद निकलना है। सो गाइस फाइनल कुकिंग हो चुके हैं, आप तो खाने का लायक हो चुके हैं, तो टेस्टिंग करना पड़ेगा मुझे। मस्त हुआ, लेकिन अब इतना पतला हो गया, ये अगर सुबह खाता ना बना के तो इतना मोटा मोटा था उस समय, तो अभी शाम हो गया इसलिए पतला हो गया। सो दोस्तों इस समय आ चुके हैं डिनर, तो ये स्नेल और ये बैंगन, तो अभी खाना खाते हैं, तो ये भी खा रही है, सबके सब खाना खा रहा है। अरे मेरा बहन कहाँ गायब हो गया, किधर गया मेरा बहन? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। तो ये तो खा रहे हैं, लड़के बहा के लेके आया हमारे घर में, तो जुर्माना अभी तक भरा नहीं, भरेंगे बाद में। फिनिश कर दो, तेरा वाह नहीं मिलते है ना, फिनिश कर दो। वाह एक्सपीरियंस हो गया खा खा के। सो दोस्तों फाइनली कॉफी के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आज के वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं कॉल फिर से उड़े नए वीडियो के साथ। बाय बाय और गुड नाइट।